टॉलीवुड की डायनामिक ब्लॉकबस्टर जोड़ी मास डायरेक्टर बोयपाटी श्रीनु और नंदमूरी बालकृष्ण फिर से एक बार जादू पैदा करने के लिए तैयार है। इन दोनों की अभी तक की 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है और वो तीनों फिल्में टॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर रही। नॉर्थ इंडिया में भी इन मूवीज को काफी ज्यादा प्यार मिला। सिम्हा लेजेंड और अखंडा। सिम्हा एक्शन ड्रामा मूवी। इस मूवी को 30 अप्रैल 2010 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 18 करोड़ रुपए। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन करके टॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर रही। इनकी नेक्स्ट मूवी आती है लेजेंड द पॉलिटिकल ड्रामा एक्शन मूवी। इस मूवी को 28 मार्च 2014 में सिनेमा घरों में लाया गया। वहां ये मूवी ने धूम मचा दिया था। इस मूवी को 30 करोड़ के बजट में बनाया गया। लेजेंड बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ का कलेक्शन करके एक सफलता हासिल करी। अब आती है इनकी तीसरी मूवी अखंडा द कमर्शियल एंटरटेनमेंट एक्शन ड्रामा मूवी। ये मूवी रिलीज होती है 2 दिसंबर 2021 में। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ रुपए। अखंडा ने वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। नंदमूरी बालकृष्ण के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म अखंडा रही। बालकृष्ण को इस मूवी ने एक नया नाम एक नया रूप दिया। बोयपाटी श्रीनु और बालकृष्ण इस जोड़ी ने लगातार बॉक्स ऑफिस पर 3 सफलता देने के बाद अब चौथी सफलता के लिए तैयार है। BB4 इस आने वाली मूवी से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इस फिल्म का बजट 250 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। राम अचंडा एंड गोपीचंद अचंडा 14 रील्स प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित किया जाएगा। BB4 आने वाली ये मूवी पिछले रिकॉर्डों को पार करने की उम्मीद है क्योंकि ये फिल्म अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना होने का वादा कर रही है। BB4 का भव्य लॉन्च 16 अक्टूबर को होने वाला है। उस दिन इस फिल्म की पूरी जानकारी का खुलासा किया जाएगा। ये फिल्म बालकृष्ण के करियर में अभी तक की महंगी फिल्म बनने जा रही है।